हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं एक DIY शेयर कर रही हूँ। बहुत सी ऐसी घर में चीज़ें होती हैं जो टूट जाती हैं, जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन हम अपनी क्रिएटिविटी से उसे रीयूज़ भी कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। बना करके हम अपने गार्डन का या अपने घर का कोई भी पार्ट डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा भी गमला टूटा हुआ था और कुछ और था, तो उसी से मैंने एक DIY पॉट बनाया है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ और दिखाऊंगी कि मैंने उसमें क्या क्रिएटिविटी की है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी मेहनत को देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अधिक हम उत्साहित होते हैं कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हो रही है। और सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और आइए दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। फ्रेंड्स, ये गमला मिट्टी का है और ये ऐसे टूट गया है, एक होल टाइप बन गया। एक्चुअली में वैसे ये गमला अच्छा था, लेकिन इसमें हमने प्लांट लगा रखा तो उसमें एक सरिया गाड़ा था सपोर्ट के लिए, वो सरिया घुस के इधर से निकल आया तो ये टूट गया, होल ऐसा बन गया। तो अब इस गमले को मैं यूज़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी। और इस पर एक, इसको तो मैं नीचे का हिस्सा बनाऊँगी बॉडी का, और ये मेरी एक गोलक है। ये देखिए, इसमें से पैसे निकल चुके हैं, उड़ चुके हैं। और अब इससे मैं इस फेस बनाऊंगी। ये देखिए, इसको मैं एक फेस का रूप दूंगी और इसी पर फिक्स करूंगी और इस पे पौधे लगाऊंगी और आपको बना के दिखाऊंगी। अभी मैं इसको कलर करने जा रही हूँ। इसको खरोच के मैंने इसकी पपड़ी वपड़ी निकाल दी है, फिर इस पर कलर करूंगी। और इसको एक, ये मेरी है छोटी सी डलिया, इसको मैं कैप का रूप दूंगी इसके फेस पर और आपको कलर करके दिखाऊंगी कि देखिए कैसा बना है। ऐसे ही हम बेकार की चीज़ों से अपने को कुछ अच्छा सामान बनाकर अपने को बिज़ी रख सकते हैं। इस समय घर पर ही हैं और बिज़ी रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और अब आपको दिखाती हूँ कलर करके कि ये कैसा बनता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसकी नीचे का हिस्सा मैंने पेंट कर लिया है बॉडी का, और ये फेस भी मैंने पेंट कर लिया है, कैप भी कर ली है, ये देखिए। और अब हम इसको फिक्स करेंगे, हम इसको क्विक फिक्स से चिपकाएंगे इस पर, नहीं तो ऐसे ही गिरने का डर रहेगा। तो इसे अब हम क्विक फिक्स से चिपकाएंगे, कैप को चिपकाएंगे, और फिर आपको इसमें यहाँ तक मिट्टी भर करके नीचे एक पॉट बर्तन रख के उसमें मिट्टी भरेंगे और पौधा लगा के अब हम आपको इसे दिखाते हैं कि कैसे पौधा लगाएंगे, तैयार करेंगे। ये देखिए, ये कलर मैंने कर लिया है, कलर सूख भी गया है, और अब दिखाते हैं आपको लगा करके पौधा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने होल में अंदर एक पॉट रख के थोड़ी मिट्टी भर के उसमें मॉस रोज का प्लांट लगा हुआ था, वैसे ही उसी को मैंने उसके अंदर रख दिया है। और ये इस तरीके से इसके होल में, और इसका फेस इस तरीके से फिक्स किया है, और ये इस तरह थोड़ा सा इस तरह दिख रहा है। ये देखिए, ये ऊपर गोलक है, कैप है उसकी, और इस तरीके से इसका लुक आ रहा। और इसको भी दिखा देती हूँ, एक ये मैंने डॉल बनाई थी, ये नीचे वाला प्लास्टिक का गमला है और ऊपर वाला मिट्टी का है, और इसे मैंने एक होल की सहायता से फिक्स किया था, एकदम गिरना नहीं है इसको। एक होल बना करके उसमें प्लास्टिक में, और एक बोल्ट लिया था उसको कस दिया था। और ऊपर देखिए, इस तरीके से प्लांट्स लगा दिए हैं, और ये हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है। दोनों पेयर और अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दूर से आपको दिखाती हूँ, गार्डन अच्छा लगने लगता है। कुछ इस तरीके के हैंडमेड चीज़ें बनी होती हैं तो थोड़ा अट्रैक्शन और बढ़ जाता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगता है।
यही हमारी इस हफ्ते की कोशिश रही है, यही मैंने काम किया है घर में रह करके। और बिजी रहने के लिए ये सब काम बहुत ही जरूरी भी हैं और अच्छे भी हैं। तो जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।